अब पत्र के बाद डायरी लेखन का महत्व भी यहाँ समझाया गया है। पत्र यहाँ पर शादी के लिए। अब डायरी लेखन की बात करते हैं, तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में देन दीनी, देनी की और शब्दों का प्रयोग किया गया है, आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि डायरी शब्द किस भाषा का है, तो अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए और कौन कौन से शब्द उपयुक्त किए गए हैं, तो देन दीनी, देनी की आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन की घटित घटनाओं का, कार्यों का और तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डायरी में व्यक्ति की घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन की उठित प्रतिक्रियाओं को भी अभिव्यक्त किया जा सकता है, इसीलिए इसमें व्यक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पक्षिक, अन्य अथवा तो मासिक लिखी जा सकती है। अब डायरी लेखन की विशेषताएं, परीक्षा में अगर आपको पूछा जाए कि डायरी लेखन में क्या विशेषता होनी चाहिए, तो यहाँ पर डायरी लेखन की विशेषताएं दी गई है। तो यहाँ पर आपको यह डायरी लेखन की जो विशेषताएं है खास याद रखनी है कि इसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो डायरी लेखन में बहुत से गुण होते हैं, आपको यह विशेषता दी गई है। गुण होते हैं कि डायरी लेखन में कर्मबद्धता होनी चाहिए। डायरी लेखन में क्या होनी चाहिए, कर्मबद्धता होनी चाहिए। आज का जो है, जैसे कि आज जो जिस तारीख को होता है उसी दिन का विवरण आपको लिखना है, ठीक है। आप जिस दिन लिखते हो उसी दिन का विवरण इसमें लिखना है, तो इसमें कर्मबद्धता होनी चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक होना चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है, और सारगर्भित होना चाहिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए, वास्तविक लगना चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना तथा तथ्य का स्पष्ट रूप से लेखन होना आवश्यक है। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना तथा तथ्य तथा स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन में स्थल, तिथि, घटना जो मैंने आपको यहाँ होना चाहिए वो सब उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तारों से बचना चाहिए। अब डायरी लेखन के लाभ कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो डायरी लेखन के लाभ भी दिए गए। डायरी लेखन से क्या क्या लाभ होते हैं हमें, तो डायरी लेखन में पहला जो लाभ है यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसीलिए वे कारण व्यक्ति दिन भर के जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है, इससे स्नेह स्नेह बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी की एक ऐसा दस्तावेज है जो इसे बढ़कर व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव का और घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है, और संबंधित व्यक्तियों के शब्दों को प्राप्त अपने संबंधित व्यक्ति के शब्दों को प्राप्त किया जा सकता है। डायरी लेखन के यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं के डायरी में लिखे, 7 अगस्त 2011 को जामनगर से लिखा है, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचार उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाओं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधान आचार्य के कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न किए, उनके उत्तर मैंने दे दिए। मैंने उत्तरों में से वे संतुष्ट नजर आए, मेरे जो उत्तर थे उनसे उन्होंने संतुष्ट प्राप्ति हुई। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म भी दिया, मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क यानी फीस आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंचा और अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्यों से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि यह नए विद्यालय में आ गया हूँ, ठीक है। दूसरा है वार्षिक परीक्षा के लिए दिए, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व अनुभव में जो अपनी डायरी में लिखा गया है, 5 अप्रैल 2012 को राजकोट से, कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 10 बजे गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विशेष की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है,
तथा मन में अजीब सा भय भी है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी उन्होंने। बिस्तर पर पड़े पड़े में नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने के बाद टेबल लैंप जला और पुस्तक के पन्ने पुनः उलटने लगा। थोड़ी देर में मैं थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो यहाँ दृष्टांत दिए गए हैं, डायरी लेखन के उदाहरण दिए गए हैं। तो इस तरह डायरी लेखन की विशेषताएं हमें दी गई है, ठीक है। तो पूरी बात में यहाँ पहले यूनिट में कौन क्या बात हमें सिखाई गई है, तो यहाँ पर आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ। निमंत्रण पत्र है पहला, दूसरा बधाई पत्र है, तीसरा आश्वासन पत्र है, चौथा अनुमति पत्र है, पाँचवा प्रार्थना पत्र है, छठा कार्यालय पत्र है, सातवा व्यावसायिक पत्र है, और उसके बाद डायरी लेखन और डायरी लेखन की विशेषताएं और डायरी लेखन के लाभ यहाँ पर दिए गए हैं और उनके दो उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ तक हम ये पहले यूनिट में ये सीखा है और आप सबको यह समझ भी आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं और धन्यवाद।